हेलो दोस्त, रेलवे जीडीसी एग्ज़ाम 2023 वाले वैकेंसी का 24 में चला गया था, क्योंकि कैंसिल हो गया था सेंट्रल लाइव नोटिफिकेशन में। अब ऑफिशियल नोटिस आ गया है, आरआरसी के पावर में होगा एग्ज़ाम। कब तक हो सकता है परीक्षा? तो किसी आरआरसी का जल्दी, किसी का बहुत देर। फिर से वही पैटर्न पुराना वाला चलेगा। टेंडर भी कई सारे आरआरसी ने जारी कर दिया है, लेकिन ऑफिशियल डेट अभी किसी की नहीं आई है। कई सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि कोई न्यूज़ हो तो बताइए। तो कैंडिडेट का देखिए, जनरली होता क्या है, आरआरसी के एग्ज़ाम में, जीडीसी के एग्ज़ाम में, एक्चुअली में जो रेलवे में जॉब कर रहा है ना, उन्हें ज़्यादा पता होता है हमारे के मुकाबले, क्योंकि वो अपने ऑफिस में जुड़े हुए रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे पता होता है। और यूट्यूबर सोशल मीडिया पे जब भी इंफॉर्मेशन आता है तो बताते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया या वेबसाइट से जो भी आता है, उसमें एक ये भी आया है, आरबी नंबर 19/24 और डेट है 20/2/2024 में, जिसमें सब कुछ कहा गया था कि जो पहले एग्ज़ाम हो रहा था, रेलवे बोर्ड का लेटर था जिसमें बोला था कि सेंट्रल लाइन नोटिफिकेशन एलपी टेक्नीशियन ट्रेन मैनेजर का हमें कंडक्ट कराना है, वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से रेट आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या आरआरबी ने डिसाइड कर दिया है कि कंडीशन ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन हैज बीन वेव्ड, यानी छोड़ दिया गया है, यानी आप इंडिविजुअल एग्ज़ाम ले सकते हैं। ये लिखा नहीं है कि आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, लेकिन वेव कर दिया गया, यानी अब सेंट्रलाइज इंट्रेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो इसके तहत इन्होंने बोल दिया है कि आप एग्ज़ाम जो जीडीसी के होगा वो अपने लेवल पे, अमन लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड का ऑफिस का साइन आ चुका है 20/2/2024 जो आज ही का दिन है, और बहुत लोग शेयर भी कर रहे हैं कि टेंडर प्रोसेस पहले से था, खाली अप्रूवल नहीं हुआ था। तो देखिए, कई जगह है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर नोटिफाई जीडीसी का है, हालांकि पोस्ट कौन सा होगा, क्या होगा, उसके लिए है। सेंट्रल रेलवे का 18/1 का ही चल रहा था। तो ये देखिए, इतने तो पुराना, इस हिसाब से तो आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि डेट कब आए, तब डेट पता चलेगा। लगभग ये डेट के 7/2 को ओपन होने का था, तो अभी ये 13 दिन तो गुजर चुके हैं। टेंडर फाइनल स्टेज पे होगा यहाँ सीआर का, लेकिन कौन कौन पोस्ट का है उसके बारे में अभी पता नहीं है। इसमें नीचे डिटेल में दिया होगा, टेक्निकल ओपन में जीडीसी की बात हो रहा है, आरआरसी किसके पोस्ट कौन कौन से रहेंगे, कंप्यूटर टेस्ट है, एजेंसी की बात कर रहा है, टेंडर सीसीए पोस्ट इतना ऑनलाइन। तो इसमें अभी डिटेल ज़्यादा नहीं मिल रहा है कौन सा पोस्ट का है, ट्रेन मैनेजर या क्या है, लेकिन एक हिसाब से आप देख लीजिए, आपका जीडीसी अब फास्ट मोड में होगा, लेकिन किसका सिलेक्शन होगा पता नहीं। सेंट्रलाइज में क्या था कि सभी आरआरसी का एक साथ हो जाता, अब अलग अलग हो रहा है, तो कोई आरआरजी बहुत फास्ट हो जाएगा, कोई आरआरबी बहुत स्लो हो जाएगा, जिनका पेपर डिले भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सेंट्रलाइज में जब दिक्कत आई थी तो कई लोगों का पेपर कैंसिल हुआ था, वो लगता है अभी भी कंटिन्यू रहेगा, जो कैंसिल हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, नए सिरे से पेपर होगा, जो हो भी गया था वो भी चेंज। थैंक यू, धन्यवाद।